हिंडनबर्ग के आरोपों की भेंट चढ़ा अडानी का एक और सौदा 400 करोड़ रुपए में होने वाली थी ये डील। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की जनवरी में आई रिपोर्ट से अडानी समूह को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। समूह की कंपनियों के बाजार पूंजीकरण और समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में आई गिरावट से अब तक उभरा नहीं जा सका है। दूसरी ओर अडानी समूह के कई सौदे एक के बाद एक कर अटकते जा रहे हैं। 400 करोड़ रुपए में होने वाला था सौदा। ईडी की एक खबर के अनुसार अटके सौदों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है और अब इसमें नया नाम जुड़ा है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंपनी एयरवर्क्स के साथ होने वाले प्रस्तावित सौदे का। अडानी समूह ने एयरवर्क्स को $53 मिलियन यानी करीब 400 करोड़ रुपये में खरीदने की योजना तैयार की थी। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई थी, इसके लिए तारीख भी तय हुई थी जो अब निकल चुकी है। क्रिसिल ने बताई है ये बात। ईटी की खबर में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के हवाले से ये जानकारी दी गई है। क्रिसिल ने अपने एक हालिया नोट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत नहीं हो रही है और आगे होने की उम्मीद भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अडानी समूह के द्वारा एयरवर्क्स को खरीदने की योजना संभवतः टल गई है। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थीं कि यह डील शायद टल चुकी है। अडानी समूह ने बदल दी है रणनीति। हालांकि अभी तक अडानी समूह या एयरवर्क्स की तरफ से इस डील के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। वैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह के कई सौदे टाले गए हैं। समूह ने कारोबार करने की अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव किया है। आक्रामक तरीके से अधिग्रहण कर नए नए क्षेत्रों में पैर पसारने के लिए मशहूर रहे अडानी समूह ने अब कर्ज कम करने पर पूरा ध्यान दे दिया है। समूह ने फिलहाल नए सौदों को टालने की रणनीति अपनाई है। कई क्षेत्रों में मौजूद है अडानी समूह। अडानी समूह अभी के समय में भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक है। यह समूह FMCG से लेकर ग्रीन एनर्जी और पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक के बिजनेस में सक्रिय है। अडानी समूह के पास अभी भारत में 7 हवाई अड्डों के परिचालन का अधिकार है। एयरवर्क्स के अधिग्रहण से अडानी के एयरपोर्ट बिजनेस को विस्तार मिलने वाला था। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।